रात भर से करहल अस्पताल में रखे शव का दोपहर तक नहीं हुआ पोस्टमार्टम। परिजनों का आरोप, हम पर श्योपुर जाने का बना रहे हैं दबाव, शव ले जाने गाड़ी तक नहीं करवा रहे उपलब्ध। खबर करहल से है, जहां कल रात लगभग 10 बजे घटित हुई घटना, जिसमें चक्रामपुरा निवासी रिंकू पुत्र मुन्ना आदिवासी की मौके पर ही मौत हो गई थी। परिजनों के अनुसार मौत का कारण किसी जंगली जानवर द्वारा हमला करना बताया जा रहा है। खबर लगती ही रात्रि में ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और एम्बुलेंस द्वारा मृतक की बॉडी को रात में ही करहल अस्पताल लाया गया था, जहां प्रारंभिक परीक्षण के बाद सुबह पोस्टमार्टम करने की बात कहकर शव को मुर्दा घर में रखवा दिया था। अब हुआ ये कि सुबह 11 बजे जब शव का पोस्टमार्टम नहीं किया गया, बल्कि साथ आए परिजनों से कह दिया गया कि पोस्टमार्टम के लिए श्योपुर जाना पड़ेगा, मगर शव को जिला चिकित्सालय भिजवाने के लिए कोई भी वाहन उपलब्ध करवाने से बीएमओ सुरेश सोनी ने साफ तौर पर यह कहते हुए मना कर दिया कि हमारे पास शव को रेफर करने की कोई सुविधा नहीं है और न ही इसका कोई मदद आता है, ये व्यवस्था पुलिस की है। मृतक के परिजनों की तमाम मिन्नतों के बाद भी करहल अस्पताल से कोई मदद नहीं मिली। वहीं परिजनों ने कुछ निजी वाहन वालों से बात की तो उन्होंने शव को ले जाने से इनकार कर दिया। कुछ ने शव ले जाने की हाँ भी की तो किराया इतना मांगा कि ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अपने साथ होती इस लाचारी से परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और रोज जैसी स्थिति बन गई। तब जाकर करहल थाना प्रभारी ने शव ले जाने के लिए एक वाहन की व्यवस्था करवाई, मगर तब तक करहल एसडीएम के संज्ञान में भी मामला आ गया था, तो एसडीएम ने शव ले जाने के लिए वन विभाग की गाड़ी पहुंचवा दी थी। देखिए संवाददाता अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तुम्हारा घनश्याम, क्या घटना हुई घनश्याम? इसकी ये घटना हुई थी, घर से आया था, ये बोला था कि मैं कुछ लेने जा रहा हूँ, तो जंगल में आ गया, इधर घटना हो गई, कोई शेर न खा ले आए। मतलब आप कौन है मृतक के, आपका कौन लगता था? ये भतीजा लगता है मेरा। आपके आपको कैसे पता इसको शेर ने खा लिया? ये मतलब हम वहाँ गए थे, हमने देखा जानकर, तो हमने बैटरी से देखा तो आँखें जल रही थी, आँख मतलब जल रही थी। कौन की आँखें जल रही थी? वो कुछ जानवर की। मतलब तो आँखों से, मतलब आप आँखों को देखकर अंदाजा लगा रहे हैं कि शेर था? हाँ, कुछ भी हुआ। मोटरसाइकिल से था या पैदल था? मोटरसाइकिल से था। तो मोटरसाइकिल कहीं गिरी पाई गई क्या वहाँ पर? हाँ, वहीं पड़ी है मोटरसाइकिल। तो निशान वगैरह है क्या कुछ रोड पर गिरता है? गाड़ी तो आगे पड़ी है। अच्छा, तो क्या लगता है क्या सड़क पे से कोई जानवर इसे खींच ले गया है? हाँ, खींचने का ही डाउट जा रहा है, क्योंकि हम गए वहाँ तो हमारी लाइट देख के पता नहीं वो जानवर निकल गया क्या। अच्छा, कितना बड़ा जानवर था, क्या अंदाज लगा रहे हो? कितना सा दिख रहा था वो? इतना। अच्छा अच्छा, मतलब एक तेंदुए के बराबर। अच्छा, तो अभी आप यहाँ कितने बजे से आयो? हम तो यहाँ तो रात के 12 बजे। अच्छा, रात में आ गए थे। अभी तुम्हारा पोस्टमार्टम हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ अभी। अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ अभी। पोस्टमार्टम श्योपुर की बोल रहे हैं। अच्छा, श्योपुर होगा, ये बोल रहे हैं। अच्छा, पीएम को लेके क्या परेशानी आ रही है आपको? ये पीएम नहीं कर रहे, वो है नहीं कर रहे पीएम, नौकरी सुपर करेंगे पीएम। कौन कह रहे हैं यहाँ नहीं करने की? जी पुलिस वाले टीआई साहब ना, सब लोग कह रहे हैं। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर तो नौकरी रावत सुपर ही होगा। नहीं, आप यहाँ कब आए? हम आ गए हैं 11 बजे रात में। हाँ, रात में। तब से अब तक यहीं हो आप? हाँ, यहीं हैं। पप्पू, क्या कहना चाह रहे हो? जहाँ मैं जो कहना चाह रहे हैं कि पूरी रात की बूढ़ियाँ रखी है। अच्छा, अगर कोई इनको पीएम कराना हो तो इनका जो तो रेपर रात में ही करना है ना, सुपर के लिए। अच्छा, अब टाइम तो पूरा तय हो गया, अब जनता पूरी में बैठी है, रिश्तेदार में बैठा। अच्छा, मतलब जो क्रिया कर्म होनी है जिसके लिए। हाँ, पूरा रिश्तेदार जुड़ा हुआ। तो आपसे कब बोला गया श्योपुर ले जाना है? अभी बोला है इन्हें, अभी मतलब 11 बजे बोला है। हाँ, मतलब सुबह से नहीं बोला? सुबह से नहीं बोला। अच्छा, कोई डॉक्टर आया यहाँ पे देखने का? कोई डॉक्टर आया क्या यहाँ पीएम हाउस पर? कोई नहीं आया। तो क्या केवल पुलिस स्टाफ ही यहाँ मौजूद है? अच्छा, तो आप क्या चाहते हो, यहीं कराना चाहते हो? अब आप जी बोल रहे हैं, हम नो कर रहे हैं, कब यहीं कर दे तो बढ़िया, नहीं तो अगर जी सुपर भी जाए तो हम सुपर कब लेकर पहुंचाएंगे और कब घर पहुंचाएंगे? पैसे नहीं है साहब, गरीब आदमी घर से। तो क्या आपको पीएम के लिए एम्बुलेंस नहीं आ रही है ना ले जाने के लिए? नहीं आ रही। क्या आपसे कहा जा रहा है निजी वाहन से ले जाने के लिए कहा जा रहा है? अब निजी वाहन का बताओ तो हम कहाँ से करेंगे, कैसे कहा करेंगे? अच्छा, मतलब हॉस्पिटल वालों ने एम्बुलेंस भी नहीं भेजा इसके लिए? नहीं भेजा। अच्छा, युवक की मौत हुई है सर चक्रामपुरा में, उसकी डेड बॉडी रात भर से अस्पताल में रखी है। सुबह डॉक्टर ने बोल दिया है कि श्योपुर ले जाओ, यहाँ पीएम नहीं होगा ना, उन्हें गाड़ी दे रहे हैं। सर क्या मतलब है सर ये सारा? रात्रि में तो पीएम नहीं होता है। अभी सुबह मृतक की मृत्यु की सही जानकारी लगाने के लिए पैनल से मेडिकल कराया जाना थोड़ा ठीक था, जिससे मृतक को आगे फ़ायदा हो सके, इस वजह से उसको श्योपुर ले जाना था। रही बात गाड़ी की, तो ये सही बात है कि गाड़ी जो है अस्पताल प्रबंधन या पंचायत ऐसी कोई गाड़ी नहीं है, तो हमने खुद ने एक गाड़ी करी थी पुलिस के द्वारा। तो उसके बाद एसडीएम साहब से भी बात की, तो एसडीएम साहब ने फॉरेस्ट को बोल के अभी गाड़ी फॉरेस्ट की गाड़ी से उनको लेके जाएंगे और वहाँ पैनल से उनका मेडिकल कराया जाएगा। परिजनों का सर यही कहना है कि कराल में नहीं हुआ, तो क्या सर ये मतलब उनके भले के लिए किया जा रहा है कि पैनल से कराया जाए?
उनके भले के लिए किया जा रहा है कि उसकी मृत्यु का जो मृतक है उसकी मृत्यु का सही कारण पता लगा सकें जिससे उनको आगे जाके उसका फ़ायदा मिल सके। अच्छा, तो अभी गाड़ी उन्हें ले जा रही है सर फॉरेस्ट? हाँ, गाड़ी ले जा रही है, फॉरेस्ट की गाड़ी आ रही है। बाकी हमने भी अपने स्तर पर कर ली थी। अच्छा। लेकिन जब SDM साहब के उनसे चर्चा की गई तो उन्होंने जो है रेंजर साहब को बताया, तो रेंजर साहब का फ़ोन आ गया, वो अपनी गाड़ी आ रही है, तो अभी 2-4-5 मिनट में गाड़ी हम निकाल देंगे यहाँ से। ठीक।